नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडक्लिफ ब्राउन के कुछ फेमस बुक्स के बारे में। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये एक बहुत प्रसिद्ध मानवशास्त्री थे। और इनकी कुछ फेमस थ्योरीज़, कुछ फेमस कॉन्सेप्ट और इनके बुक्स काफ़ी कुछ हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं और वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ इनकी फेमस बुक्स या एसे या आप बोल सकते हो इनकी पब्लिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी बुक आई थी 1922 में, द अंडमान आइलैंड्स। और इस बुक में उन्होंने आदिम समाज यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी के कल्चर, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, इन सारी विशेषताओं के बारे में बात करी है। और चूंकि ये एक मानवशास्त्री थे यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक्स के विकास में इस बुक ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस बुक का। सेकेंड है 1924 में मदर्स ब्रदर इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 1926 में थ्री ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर 1931 में आई थी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। और 1939 यानी कि 1939 में आई थी टैबू। और नेक्स्ट है 1940 में आई थी ऑन जोकिंग रिलेशनशिप। इस बुक में उन्होंने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था जो कि फैमिली या किनशिप में पाई जाती है, जोकिंग रिलेशनशिप, अवॉइडेंस रिलेशनशिप। और इन दोनों ही रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने शॉर्ट्स में बताया है, आप चाहो तो देख सकते हो। और 1950 में आई थी अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। 1952 में आई थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। और इन दोनों ही बुक में उन्होंने मेनली किनशिप सिस्टम यानी कि नातेदारी व्यवस्थाएं, उनकी रीतियों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे नाते या रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं जो विवाह या तो रक्त संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आप खुद अपनी फैमिली में देखो, दो तरह के रिलेटिव्स आपको मिलेंगे, या तो आप मैरिज सिस्टम के द्वारा जो मिल रहे हैं वो, और या तो बाई बर्थ आपके जो रक्त संबंधी होते हैं वो। तो इन सारी ही रिलेशनशिप्स के बारे में या किनशिप व्यवस्था के सिस्टम के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में इन दोनों ही बुक्स में बात करी हुई है। नेक्स्ट है इनकी 1957 में आई द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।